कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को कोई ज़रूरी मेल भेजे जा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ से जवाब ही नहीं आ रहा होता है। फ़ोन भी घुमाते हैं लेकिन उधर से जवाब मिलता है कि आपका मेल तो आया ही नहीं। अब हमारे पास अपना दुखड़ा रोने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। अब आखिर दिक्कत क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा, आज हम आपको बताएंगे इस बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मैं हूँ आपके साथ जुहे सिंह। आज हम आपको बताएंगे जीमेल में मल्टीपल अकाउंट होने की वजह से होने वाली समस्या के बारे में, किस तरह से अपने अकाउंट को डिफ़ॉल्ट रखें और परेशान होने से बचें। इसके साथ ही YouTube पर भी नज़र डालेंगे क्योंकि वहाँ भी कई अकाउंट होने से दिक्कतें आती रहती हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि जीमेल मल्टीपल अकाउंट है क्या। आजकल ज़्यादातर काम तो जीमेल अकाउंट से होते हैं। अब अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसके लिए एक जीमेल अकाउंट चाहिए ही होगा, और अगर आईफोन है तो भी आपको गूगल सर्विस जैसे गूगल सर्च, क्रोम, यूट्यूब के लिए जीमेल से लॉगिन करना ही पड़ेगा। ऐसा करते ही गूगल सर्विस आपके स्मार्टफोन से लेकर लैपटॉप तक लॉगिन हो जाती है और वो गूगल अकाउंट बन जाता है आपका डिफ़ॉल्ट अकाउंट। लेकिन आजकल एक अकाउंट से काम कहाँ चलता है, कई लोग दो या दो से ज़्यादा अकाउंट रखते हैं। इसकी वजह पर्सनल भी होती है और प्रोफेशनल भी। इन्हीं मल्टीपल अकाउंट से होती है गफलत। जी हाँ, सही सुना आपने। जैसे आपने पर्सनल अकाउंट खोला हुआ हो और ऑफिस को मेल भेज दिया, जाहिर सी बात है मेल चला तो जाएगा लेकिन सामने वाला देखेगा या नहीं ये नहीं कहा जा सकता है। जंक या स्पैम में भी जाने के चांसेस हैं, इसलिए ज़रूरी है कि किसको मेल भेजना है उसके हिसाब से जीमेल अकाउंट बदल लिया जाए। तकनीक की भाषा में कहे तो डिफ़ॉल्ट अकाउंट को चेक कर लिया जाए। अब कैसे होगा डिफ़ॉल्ट अकाउंट चेंज, तो चलिए ये भी बताते हैं। बहुत ही आसान है, यहाँ प्रोसेस से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ध्यान रखें कि आपको मेल किस अकाउंट से भेजना है। अब इसके लिए आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पर जाइए, जीमेल ओपन कीजिए। आपको एकदम राइट कॉर्नर में प्रोफाइल फ़ोटो पर क्लिक करना है। अब सभी जीमेल अकाउंट सामने होंगे, जिस अकाउंट का इस्तेमाल करना है आप उस पर टैप कीजिए और अब वो बन जाएगा आपका डिफ़ॉल्ट अकाउंट। अब जान लेते हैं कि स्मार्टफोन में कैसे करना है। तो बिल्कुल एक जैसा प्रोसेस है, आप जीमेल ओपन करके अपनी प्रोफाइल फ़ोटो पर क्लिक करिए। इसके बाद सारे अकाउंट आपके सामने आ जाएंगे और आप ज़रूरत के हिसाब से अकाउंट चुन लीजिए। अब बारी आती है YouTube की, तो YouTube में भी इसकी ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि यहाँ भी आप मल्टीपल अकाउंट से लॉगिन होती हैं, इसलिए कभी आपको अपनी प्लेलिस्ट नज़र ना आए या फिर अपने पसंदीदा चैनल ना दिखे तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। बस YouTube होम पेज पर अपनी प्रोफाइल फ़ोटो पर क्लिक करके देखिए, अकाउंट बदलने का ऑप्शन सामने नज़र आएगा। गलती से किसी दूसरे चैनल से कुछ सब्सक्राइब या लाइक भी हो गया हो तो वो आप ठीक कर सकते हैं, सही अकाउंट चुन लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।